तो ये देखिए, ये जो है उसी ज़माने का हाउस है इट सीम्स। और यहाँ में बाहर में कुआ हुआ करता था, समझो एक अराउंड 30 फुट दूर। दोस्तों यहाँ आप देखिए सी मस्जिद की, यहाँ पे भी कुछ पिल्लर्स हैं जो मीनारे जो गिरे हुए थे, जहाँ पे देखो आप बड़े बड़े चट्टानों से मस्जिद की तामीर हुई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तारीखी मस्जिद को दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ ऐसी नायाब मस्जिद है ये कि जिसके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूं कि ऐसी भी कोई मस्जिद है। दोस्तों ये मस्जिद गुरमकुंडा में ही मौजूद है, और पूरी मस्जिद को पत्थर से तामीर किया गया है विदाउट लाइम मोर्टार। कहीं पे भी कोई किसी तरह का बाइंडिंग एजेंट या फिर कोई सीमेंट या किसी भी कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। इस पूरी मस्जिद को पत्थरों से इंटर स्टैक करके बनाया गया है। लेट मी शो यू। यहाँ देखिए, पूरी पूरे मस्जिद का जो ये पिलर है, ये दीवार है, एवरीथिंग सब कुछ इंटरलॉकिंग पत्थर से बनाया गया है, सॉलिड स्टोन। मैं भी बहुत हैरान हूँ और परेशान हूँ ये देख के कि भाई ऐसी मस्जिद गुरमकुंडा में है, आई डिडंट न्यू। माशाल्लाह। और यहाँ पे एक मदरसा भी चल रहा है जिसमें कई बच्चे दीन इस्लाम की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह, जस्ट लुक एट दिस, इस पिल्लर को और इस दीवार को किस तरह से एक ही पत्थर में इंटरलॉक किया गया है। ये सिंगल पत्थर है, सिंगल पत्थर से इंटरलॉक्ड। और यहाँ देखो, इस एक मेन गोल पत्थर से इसके अंदर इंटरलॉक किया गया है। यहाँ देखो, ऊपर तक ये जो पूरा मीनार है, मीनार के अंदर भी सारे जॉइंट्स हैं इसी तरह के, बड़े बड़े पत्थर के चट्टानों से कंस्ट्रक्ट किया गया है। चलिए अंदर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, सीलिंग में डिज़ाइन फूल बनाया गया है, और पूरा मस्जिद का जो आर्च है सब कुछ पत्थर के अंदर इंटरलॉक करके बनाया गया है, एंड विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। और अल्लाहु अकबर, आई कांट इमेजिन। और ये है पत्थर के अंदर ही, देखिए चिरागाह भी बनाए गए हैं उसी ज़माने के। माशाल्लाह, और यहाँ देखिए जी, मस्जिद को कंस्ट्रक्शन कब किया गया था पता है आपको? 1650 AD, यानी के आज से लगभग समझ लो 400 साल, लगभग 400 साल पहले, पौने 400 साल पहले बनाया गया था। क्या कारीगरी थी यार इन लोगों की, माशाल्लाह माशाल्लाह।
और मस्जिद के ऊपर जाने का यहाँ से सीढ़ियों पे रास्ता भी है, और सीढ़ियों को भी उसी तरह से इंटरलॉकिंग सिस्टम में बनाया गया है 400 साल पहले। और ये मदरसा जो मैंने आपको दिखाया नीचे से अभी अभी, और यहाँ ऊपर में देखिए मस्जिद के ऊपर के हिस्से पे भी देखिए, कहीं पे भी कोई सीमेंट, लाइम मोर्टार कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, सार पत्थरों के अंदर ही काट के, देखो पत्थर के अंदर, देखो इस सिंगल पत्थर के अंदर ये ऊपर का आर्च बना के नीचे के पत्थरों को परफेक्टली अलाइन करके पूरा आर्च क्रिएट किया गया है। और यहाँ मस्जिद के इमाम साहब ने अभी अभी हमें एक पुरानी फ़ोटो दिखा के उन्होंने बताया कि ये ऊपर का जो पोर्शन है ये वाला, बाय द वे ऑलमोस्ट 3 फुट का है, वो 3 फुट है और 2 फुट मोटा है, मेरे हाथ को कंपैरिजन में मत जाइए, बहुत ऊंचाई पे है वो गिरा हुआ था इट सीम्स। तो उस एक ऊपर के इस पीस को उठाने के लिए बड़ी क्रेन ला के, क्रेन के अंदर, क्रेन की मदद से उठा के वहाँ में सेट किया गया है, बिना किसी सीमेंट के, नथिंग, जस्ट वहाँ पे रखा गया और वो फिर से परमानेंटली वैसे ही बैठ गया। हाँ, यहाँ पे गैप देखिए, मखदूम भाई हमें गैप दिखा रहे हैं, यू कैन सी द गैप, यहाँ में ये जो गैप देख रहे हो पत्थर के अंदर, गैप होने के बावजूद इतना परफेक्टली बैठा है पत्थर, माशाल्लाह डिजाइनिंग देखो। और दोस्तों यहाँ ऊपर के एरिए में, जब नीचे में मस्जिद में लोग ज़्यादा हो जाते थे तो कहा जाता है कि यहाँ ऊपर में भी नमाज़ अदा की जा सकती थी, इसलिए छत को इतना परफेक्टली साफ़ सुथरा बनाया गया है। यहाँ में देखो, यहाँ नीचे में इस जगह के एकदम नीचे में मेहराब है, पिल्लर का साइज देखो भाई, चेक करो, आज के ज़माने में ऐसी चीज़ बनाना इम्पॉसिबल है मखदूम भाई, इम्पॉसिबल, क्रेन यूज़ करके भी ऐसा, ऐसी कारीगरी, ऐसा परफेक्शन लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या आर्चेस कट किए गए हैं देखो, परफेक्ट डिज़ाइन, परफेक्ट, कोई नहीं कह सकता है कि ये 2 पत्थर हैं, यू नो ऊपर का, और एक पत्थर के अंदर 2 आर्चेस, ये देख रहे हो, ये एक सिंगल पीस है, इस सिंगल पीस के अंदर यहाँ एक आर्च, यहाँ एक आर्च, और इन्हीं आर्चेस के हिसाब से परफेक्टली कट करके इस पत्थर को रख के इंटरलॉक किया गया है। इंटरलॉक इन द सेंस, मैंने आपको गोल गुंबद वाली वीडियो में वो पत्थर दिखाए थे जिसके अंदर पत्थर रख के ऐसे घुमाया जाता था तो लॉक हो जाता था, उस तरह से इस पूरी मस्जिद को इंटरलॉक किया गया है। दोस्तों ये मस्जिद गुरमकुंडा के मेन रोड पर ही है आराम से, और ये देखो गुरमकुंडा का पहाड़ वहाँ पे है, मेरी उंगली जहाँ पे है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये गुरमकुंडा का पहाड़ और वो किला है, और मेन रोड से बस थोड़ी सी दूर अंदर में ये मस्जिद है, कलकड़ा रोड है ना, ये कलकड़ा रोड है। अगर आप लोग इस तरफ से आ रहे हो तो कोशिश करिए कि इस मस्जिद में नमाज़ ज़रूर अदा करिए, क्योंकि 400 साल पुरानी मस्जिद है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसी कैसी हस्तियों ने आके यहाँ पे नमाज़ें अदा की होंगी उस ज़माने में।
बेहद ख़ास, बेहद ख़ूबसूरत और बेहद नायाब। माशाल्लाह, एक एक पत्थर का साइज देखो भाई, परफेक्ट। और वो भी ये स्लैंट, ऐसा स्लैंट बनाना, अगर रत्ती एक ऊपर नीचे हुआ अगर को बोले तो पत्थर वेस्ट हो जाता है, मतलब अब अगर ज्यादा इन कट कर डाले तो दीवार सा करना, हाँ दीवार की जैसा बनाना, बाद में मजबूत मजबूत आएगी सुना, जबरदस्त जबरदस्त। क्या हाँ ये नहीं, मुझे लगता है ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर का जो ये पिलर गिरा था घर को बोलती नहीं, ये इसके ऊपर पड़ा रहेगा वो, इसके ऊपर पड़ने की वजह से ये ऊपर का दो, ये पिलर जरा खिसक को है यहाँ, ये ऊपर का पोर्शन जरा खिसक को है दो, शायद वो पड़ा सो मार की वजह से गिरा रहेगा। भाई एक पत्थर का साइज चेक करो, ये देख रहे हो, एक सिंगल पत्थर है और वो भी इस तरह इस एंगल में कट किया गया है ताकि वो इंटरलॉक हो जाए दूसरे पत्थरों के साथ। और ये सब मदरसे के बच्चे हैं, सलाम वालेकुम। पहला नाम है तो हमारा जफराबाद, एक ये गुरुमकुंडा, ओके जफराबाद एक पहला नाम है, हाँ 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 ओके, नाम जफराबाद ये गुरुमकुंडा चित्तूर डिस्ट्रिक्ट था, तो यहाँ में लिखा है गुरुमकुंडा जफराबाद, एक्चुअली इस जगह का नाम जफराबाद हुआ करता था लेकिन बाद में जाते जाते गुरुमकुंडा कहा जाने लगा था इसको, और ये चित्तूर जिला है, और 1650 एडी का, हाँ 1650 एडी लगभग ऑलमोस्ट पौने 400 साल लगभग, हाँ माशाल्लाह। मखदूम भाई तुम ना क्या लगता है ये कितने साल लगे रहेंगे ये कंस्ट्रक्शन करने के वास्ते ये मस्जिद को, ये मस्जिद अंदाजन, एक अंदाजन कि वो तो मटेरियल काटना, देखे मेहनत तो बहुत हुई है थी, कम से कम एक 4-5 साल का तो मेहनत होती है, 4-5 साल टाइप की टेक्नोलॉजी को, हाँ 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 आपकी टेक्नोलॉजी को नहीं, टाइप की टेक्नोलॉजी को ना, पत्थर वो पत्थर रखना का, तो अब एक पत्थर रखो उसके ऊपर रखना, वो पत्थर बाद में निकाला तो उसके ऊपर अब एक पत्थर रखना, दूसरे दीवाल गीवाल को आसरा ले सकते नहीं ना, बराबर बराबर, लकड़ी की ऊपर टिकता नहीं है, ये इराक में एक शहर है सिराज करके, जी। दोस्तों ये देखिए, ये जो है उसी ज़माने का हाउस है इट सिम्स, और यहाँ में बाहर में कुआं हुआ करता था, समझो एक अराउंड 30 फुट दूर, उस कुएं का पानी अंदर से ही आके इसके अंदर गिरने का एक मैकेनिज़्म बनाया गया था, लेकिन फ़िलहाल वो तो बंद कर दिया गया है। इस पत्थर के कटिंग को देख सकते हो, ये सिंगल पीस है पूरा, पूरी चट्टान है ये, इसको इस तरह के डिज़ाइन में कट किया गया है, उस ज़माने के लोग जो आते थे इससे पानी मटकों में या फिर मशकीज़ों में भर के बाहर लेते थे और वज़ू करके फिर नमाज अदा करने अंदर जाया करते थे। माशाल्लाह, और ये है जी मस्जिद का पीछे का हिस्सा, जहाँ पे देखो आप बड़े बड़े चट्टानों से मस्जिद की तामीर हुई है। अल्लाह, तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अब वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस नायाब मस्जिद को देखकर आपको भी अगर दिल कर रहा है कि इस मस्जिद के को ज़ियारत करने के लिए आएँ और इस मस्जिद में नमाज़ें अदा करें, तो आप लोग गुरुमकुंडा आइए, और गुरुमकुंडा के अंदर मेन रोड के नज़दीक ही ये मस्जिद अभी भी मौजूद है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।